Good morning, everyone. Welcome to the second part of the second vlog. आज हम थोड़ा सा लेट उठे, काफ़ी लेट उठे एक्चुअली, क्योंकि कल एडिटिंग करते करते काफ़ी थक गए थे और उसके बाद रात को हमने वो गेम्स भी खेले, उसके बाद मैंने एडिटिंग की थोड़ी सी, तभी हम फर्स्ट व्लॉग अपना अपलोड कर पाए. हम दोनों ने काफ़ी अच्छे से दिमाग लगा के एडिटिंग की, एक दूसरे की हेल्प की, क्योंकि दिस वॉज आ फर्स्ट वीडियो दैट वी एडिटेड. तो एडिटिंग में काफ़ी ऐसे फीचर्स थे उस सॉफ्टवेयर में जो हमें नहीं अभी पता थे कैसे उसे यूज़ करना. वी न्यू व्हाट टू डू बट वी डिडंट नो हाउ टू डू, सो टू फिगर आउट हाउ वी हैड टू स्पेंड सम टाइम, बट दैट वॉज रियली वैल्यूएबल. काफ़ी अच्छा लगा वो टाइम स्पेंड करके, काफ़ी अच्छी लर्निंग हुई. अभी गाइज इट्स अ ब्यूटिफुल वेदर आउट, फाइनली स्नो पड़ चुकी है. लेट मी शो यू आउट. ये रही हमारी कार, स्नो से भर गई है पूरी. तो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में, विल गो टू द जिम, विल हिट द जिम, थोड़ा सा हम जिम करेंगे. ऑलरेडी बहुत लेट है आज, वैसे भी जिम जो है वो 4 बजे बंद हो रहे हैं, बट हम ट्राई करेंगे कि हम वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाएं थोड़ा सा, बिकॉज फर्स्ट है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर. तो आज वो एक ऐसा बिलीफ है कि आज हमें सब अच्छे अच्छे और हर वो चीज़ करनी है जो हम पूरा साल करना चाहते हैं. सो विल गो टू द जिम एंड विल गो टू द टेम्पल, विल गो टू गुरुद्वारा. और अभी शी इज़ मेकिंग फूड, शी इज़ मेकिंग सम क्विक ब्रेकफास्ट. अभी देखते हैं और लेट्स कैच अप अगेन. वेलकम बैक टू द वीडियो गाइज. हम लोग निकल चुके जिम के लिए. जैसा मैंने पहले बोला था, हम थोड़ा सा लेट हो गए आज उठने में, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू लास्ट नाइट टुडे मॉर्निंग, बट थैंकफुली हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और अब हम जिम के लिए निकल गए हैं. Yes, guys, almost there. अभी हम रास्ते में आपको चीजें दिखाएंगे. हमने एक मंदिर और गुरुद्वारा जाने का सोचा आज. बहुत अच्छा मंदिर है, त्रिवेणी मंदिर उसका नाम है. अंदर से भी दिखा पाए तो दिखाएंगे जरूर, और फिर देखते हैं. अगर वहाँ पे हम जिम से निकलेंगे चार बजे निकलेंगे, क्योंकि 4 बजे जिम बंद हो रहा है. ऑलरेडी ऑलरेडी 3 बजने को है, तो देखते हैं वहाँ जाके जल्दी से जो भी करना है करेंगे. आपको भी थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिखाएंगे जिम का हम एक प्रॉपर व्लॉग करेंगे, जिसमें हमारी कैजुअल रूटीन में भी टुमारो दैट कुड बी द डे जहाँ पे वी आर ओनली डूइंग व्हाट वी यूजुअली डू. अच्छा लग रहा है, रोड्स पे ट्रीज अच्छे लग रहे हैं, सिल्वर ट्रीज लग रहे हैं, इतना वाइटिश नहीं लग रहा, क्योंकि वाइट बहुत आंखों में. अच्छा, शायद मैंने शेड्स लगाए हैं इसलिए मुझे इतना वाइट नहीं लग रहा, काफी वाइट है गाइस. तो हम जिम पहुंच गए और अब हम बस अंदर जाएंगे, 1 घंटे पूरा ट्राई करेंगे जितना हम कर सकते हैं. और 3:15 तो हो गए हैं, इसलिए जल्दी से जिम चलते हैं. जिम में थोड़े से ग्लिम्स दिखाएंगे और उसके बाद कनेक्ट करते हैं. यप, बाय. वेलकम बैक. जिम हमने कर लिया और अच्छा सफिशिएंट टाइम था जिम के लिए, इतना कोई टाइम क्रंच आया नहीं जितना हमें लग रहा था आएगा. बट एनीवे अभी वी आर डन विद द जिम. अभी हम मंदिर जा रहे थे, ऑलमोस्ट मंदिर तक पहुंच गए थे और दिमाग में आया कि हमने कुछ लिया नहीं है मंदिर के लिए. तो अब हम जा रहे हैं नोफल्स, क्योंकि वो सबसे पास है, और उधर से हम लेंगे कुछ भी मंदिर में चढ़ाने के लिए. तो हम गुरुद्वारा भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं और एक और मंदिर जा रहे हैं. Yes. तो तीनों जगह के लिए हम कुछ ले लेंगे, राइट? और ऊपर वालों के लिए भी कुछ. हम एक माँ चंदकुर्णी मंदिर जा रहे हैं, एक त्रिवेणी मंदिर जा रहे हैं, एक गुरुद्वारा जाएंगे. देखते हैं कौन सा जाना है. और हम पूरा
ट्राई करेंगे कि हम वहाँ पे भी ब्लॉग कर सकें, दिखा सकें आपको अच्छे से सारा। और लेट्स सी राइट नाउ, अब हम शॉपिंग करेंगे थोड़ी सी, तो क्या हमें करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सी यू देयर। अपडेट, अनफॉर्चुनेटली नो फ्रेंड्स तो क्लोज था, तो हमें अब कहीं और किसी और ग्रोसरी स्टोर जाके देखना पड़ेगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक वहाँ चले जाते हैं इंडियन स्वीट टेस्ट रेस्टोरेंट या कहीं पे चले जाते हैं जहाँ से मिठाई ले लेंगे अच्छे वाली। yes. यहाँ पे पैक मिठाई यहाँ की भी अच्छी होती है, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा डब्बा और वो अपने अकॉर्डिंग मिक्स करवा सकते हैं, वो सब करवा सकते हैं, किसी को देने के लिए भी अच्छा लगता है। हाँ एक्चुअली हमने हमारे लैंडलॉर्ड को भी देना है, तो इट्स बेटर हम यही से ले लें। ऑप्शंस भी हो जाते हैं। ऑप्शंस वैसे नो फ्रिल्स वगैरह में भी होते हैं, केक के ये वो सब के, बट देख लेते हैं कोई ऑप्शन है तो ये देखते हैं क्या मिलता है। देखना स्वीट केक्स अच्छा लिखा हुआ है, अभी हम वहां जाके दिखाएंगे आपको। बस पहुंच गए, मिलते हैं वहां पे। गाइस हम आ चुके हैं इंडियन स्वीट रेस्टोरेंट में, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं मिठाई के, और मिठाई भी क्लीन दिख रही है, फ्रेश दिख रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि कल परसों की मिठाई है ना। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, मिक्स मिक्स एंड मैच करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। मिला कुछ नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा, ये वाले बिस्किट्स नहीं, वो बिस्किट्स आते हैं ना जो छोटे छोटे पैक्स होते हैं बीच में, वो उसमें से वो निकाल के इतना इतना पैक जो होता है वो प्रसाद दे सकते हैं या फ्रूट ले सकते हैं, जो कि वो प्रसाद के तौर पे यूज कर सके। एक्चुअली हां, उनके टाइम तो आए, इनसे पूछते हैं उस साइड पे होगा। गाइस इसको इतनी शर्म आ रही है ना वीडियो बनाने में कि मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसमें वीडियो बनाने से। अगर कोई देख रहा है तो क्या हो गया, हमें बात तो करनी है ना आप लोगों से। मैं जो ढूंढ रहा था ना गाइस, वो है ये सब ऐसे के बिस्किट्स के पैकेट जो वो लोग यूज कर सकते हैं प्रसाद के लिए। हर जगह पे जाके, स्पेशली खाने वाली जगह पे जाके इसको कुछ ना कुछ पसंद आता ही आता है, वैसे सबको ही आता है, बट इसको सब कुछ ही आ जाता है। ये डार्क चॉकलेट है, इसको ये पसंद आया, आई वांट टू बाय फॉर हर विदाउट टेलिंग हर, बट ये डार्क चॉकलेट है, मुझे नहीं पता खाएगी या नहीं खाएगी। इससे अच्छा मैं इसके लिए कुछ वो ले लेता हूँ जो इसको अच्छा लगे। ये भी डार्क चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट मुझे पर्सनली डार्क चॉकलेट अच्छी नहीं लगती क्योंकि कड़वी होती है, मतलब चॉकलेट मैं खाऊंगा फॉर टेस्ट नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, क्योंकि लोग डार्क चॉकलेट खाते हैं एनर्जी के लिए या सब के लिए, मेरे को कोई इतना शौक नहीं है। ये पड़ा है मिल्क चॉकलेट, ये अच्छा होगा, ये बाय कर लिया। दिस इज फॉर यू बेबी। चल झूठा, देखो हमारा शॉपिंग कार्ट इधर दिखा सबको। वाओ, वो गाना ना अमिताभ बच्चन का, इसकी बीवी ऐसी हो, उसका भी बड़ा नाम है। गया। शॉपिंग मॉल में ले आओ, शॉपिंग कार्ट का क्या काम है। या गेट सम टी गुड टी मसाला।
गाय हमारे पास ना घर पे टी पड़ी है, बट वो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिप्स हैं वो, बट जो टी मसाला होता है ना वो उसका अपना एक टेस्ट आता है जो इंडियन की टी होती है। हमारे पास गाइस ये वाली है, डिप्स है, इसका वो मजा नहीं है। हम लेंगे एकदम देसी मसाला चाय। मेरे घर पे भी अब ये लोग ना डिप यूज करते हैं। हाँ रेड लेबल अच्छी हुई है, रेड लेबल अच्छी हुई है, रेड लेबल ले लेते हैं। Yes, sir. Are you sure with red label? हम इंडियन स्टोर में आए और इंडियन जैसी पूरी फीलिंग आई यहाँ पे आके। जैसे इंडिया में होता ना, अगर आप इतना कुछ लेंगे तो आपको साथ में ये फ्री मिलेगा, तो हमने यहाँ पे जो भी सामान लिया मंदिर और गुरुद्वारे के लिए उसके कुछ $57 बने और हमें ये मिला साथ में। एक ऑप्शन मिला कि आप या तो हाफ पाउंड जलेबी ले सकते हो या फिर 4 समोसे। समोसे हम निकल गए हैं तो हमने ली हाफ पाउंड जलेबी। जो हम यहाँ पे कूपन देंगे हमें जलेबी मिल जाएगी। जलेबी यहाँ से मिलेगी, यहाँ से आधा पाउंड है। आधा पाउंड दे दो सर। ओके सर। आधे पाउंड से ज्यादा नहीं दोगे? क्या देंगे बताओ, आधा। ये तो वो दे रहे हैं ना फ्री। तो वही हम दे रहे हैं। ठीक है सर, दे दीजिए। गाइस एकदम फ्रेश जलेबी बन रही है यहाँ पे, अंकल जी बना रहे हैं जलेबी। मैंने इतनी अच्छी शेप और इतनी अच्छा कलर कनाडा में तो कहीं नहीं देखा। अंकल आप को ये इंडिया से आता है? हाँ जी। वाओ हमारे अंकल जी देखो। कनाडा में? मेरा 2003 में आया था। 2003 में? 20 साल हो गए आपको कनाडा में। फैमिली के साथ? हाँ जी। वाओ अंकल जी को कनाडा में आए 20 साल हो चुके हैं और अंकल जी अभी भी 20 साल के लगते हैं मुझे। टोपी डाली हुई अंकल जी ने। अंकल जी के जितने सिर पे बाल उतने मेरे नहीं है। अंकल जी की स्माइल देखो। हैप्पी न्यू ईयर अंकल जी। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर अंकल जी। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। हमने ले लिया सामान और अब हम मंदिर जाएंगे और वहां पे इसको चढ़ाएंगे श्रद्धा से, भाव से। सारे मिलके बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम। जलेबी ले ली हमने फ्री वाली और सच में बहुत अच्छी लग रही थी। अंकल इतने क्यूट थे। आज न्यू ईयर्स डे पे बहुत रश है यहाँ पे, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। वैसे भी यहाँ पे कम जगह है पार्किंग की, बट मिल जाती है, कभी भी आओ पार्किंग मिल जाती है। अभी आई थिंक सिर्फ एक आधा स्पॉट ही है अवेलेबल। नहीं कर रहे हो? थैंक यू। अब हम
निकल चुके हैं मंदिर से, माता के मंदिर से, और हमें बहुत, हमने बहुत खाया है एक्चुअली। तुमने ज्यादा खाया है? मैंने बहुत खाया है। उधर किसी ने चढ़ाया था चाइनीज भी, तो देख देख के आंख। चाइनीज खाना तो अच्छा था। अच्छा था, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से खाया हमने। बहुत ही कैजुअल डे था, बट हमने बहुत ही प्यारा और होली डे स्पेंड कर रहे हैं। कोशिश पूरी ऐसी है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, बहुत पॉजिटिव नोट पे डे स्टार्ट हुआ। हम जिम गए, हमें रिलैक्स्ड फील हो रहा है, हमें एनर्जाइज्ड भी फील हो रहा है, और अभी हम यहाँ पे आए तो हमें बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। तो ऐसे ही है, होपफुली नेक्स्ट वेयरएवर वी गो विल टेक यू इन, वी सी। चुके हैं, काफी ज्यादा बड़ा क्यू है ये, पीछे तक और अंदर भी है। हम यहाँ से जाके यहाँ इनको ज्वाइन करेंगे, फिर हम अंदर वहां तक जा पाएंगे। ये अर्जुन है, इसको पहले करवाओ। I know. ये कृष्ण जी का अर्जुन है। जय, इसकी सीधी बात है। इसकी सीधी बात है। हम निकल आए हैं मंदिर से, सो ऑसम, बहुत मजेदार था, बहुत अच्छा लगा। मंदिर जाके वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मंदिर में भगवान खुद बैठे हुए हैं। वैसे तो कण कण में भगवान है, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, हमें पता ही है। बट एक वो जैसे होता ना कि एक जगह है मंदिर बनी हुई जहाँ पे भगवान के लिए हम जाते हैं, बहुत अच्छा जैसे लगा। स्कूल है, वैसे तो ज्ञान हर जगह ही है, तुम गूगल से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी हम पढ़ सकते हैं, बट स्कूल जाते हैं ना फिर भी। हमारी रूटीन में हम ये चीज डालते नहीं है, डालना चाहिए। पर अगर हम जाए ना, आप वहाँ पे जाके बैठो, आपको एक अलग ही लेवल ऑफ वाइब्रेशन फील होती है, आपको इतना बहुत रश था गाइस। जैसे ये देखो, अभी भी पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, पार्किंग ढूंढ रहे हैं हम लोग भी, पार्किंग ढूंढते ढूंढते निकल गए हैं, और अंदर भी बहुत रश है। हम आएंगे फिर से पीसफुली और फिर माथा टेक के जाएंगे या किसी और के द्वारा चले जाएंगे। डायरेक्ट मिलते हैं बूस्टर जूस। हम अपनी कॉफी कलेक्ट करेंगे, हम बूस्टर जूस जाएंगे, हम हमारा शेक कलेक्ट करेंगे। यस सर, यस, डन फॉर द डे देन। मिलते हैं फिर बूस्टर जूस। गाइस, हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। हवा बहुत चल रही है एक्चुअली। यस, हवा चलने के कारण ठंड और बढ़ गई है, क्योंकि स्नो पड़ी हुई है और स्नो को स्ट्राइक करके हवा ठंडी हो रही है। हां, इसलिए हम अंदर चलते हैं और हॉट कंटेंट के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टिल नाउ, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, बाय। एक लड़की हमें देख रही थी, उसको लगा हम ब्लॉगर हैं। नहीं, उसको लगा हम ब्लॉगर हैं, क्या मतलब हुआ? वो तो देख रही थी और मतलब उसको पता लग गया कि हम ब्लॉगर्स हैं। ये थंबनेल हाँ, थंबनेल बहुत अच्छा लगता है।